दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, काली रूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जॉनी मेरा नाम, सीता और गीता, शोले, प्रतिज्ञा, क्रांति, नसीब, अंधा कानून जैसी इंडिया की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स देने वाली बॉक्स ऑफिस क्वीन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्लासिकल डांसर, कामयाब पॉलिटिशियन और इतनी जबरदस्त माँ कि इन्हें भगवान भी हे माँ बुलाते हैं। ड्रीम गर्ल फॉर ऑल जनरेशन, हे माँ मालिनी जी। साथ में युवा, नो एंट्री, धूम जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस जिन्होंने अभी अभी ओटीटी पर डेब्यू किया है। अगर मम्मी ओरिजिनल ड्रीम गर्ल है तो बेटी भी दी ओरिजिनल धूम गर्ल है। दैट्स ऑल, धूम मचा ले विद द इलेक्ट्रिफाइंग एशिया गर्ल। मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं जब उन्हें पता चला कि हेमा जी और एशिया आज के एपिसोड में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम? मैं भी बहुत ही खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में आकर। इतने छोटे छोटे बच्चे जो कमाल के गाते हैं, मैं कई एपिसोड देखा है, बहुत ही पसंद आया मुझे। उन सबको देखने का अब मौका मिल रहा है मुझे, तो आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड एज यू आर ऑल। तब तक मैंने सबको खाली टीवी पे देखा है गाते हुए सभी बच्चों को, और आज मैं उन्हें लाइव देखने वाली हूँ। वंडरफुल। टीवी इतिहास में पहली दफ़ा हेमा जी और एशा एक साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही बड़ा एपिसोड होने वाला है। एंड वी आर सो एक्साइटेड। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट महाजन समायरा, और साथ आ रही है अरुणीता कांजी लाल।
थी मैं। लेकिन सुना है कि आप कभी कभी गाते गाते कहीं रुक जाते हैं, ऐसा सुना था। कभी रुकने का नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना है। इतना अच्छा एक मंच मिल रहा है आपको परफॉर्म करने के लिए ना, तो इस मौके का कभी छोड़ना नहीं। सो मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहती हूँ, मैं गा के सुनाती हूँ, ठीक है? चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा जमाना, यहाँ चल क्या हो किसे जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा गा रहे हैं, आगे आप एकदम मे बी यू विल रीच द लेवल ऑफ लता मंगेशकर, वहाँ तक पहुँचना है, ये टारगेट रख कर आपको आगे बढ़ना है, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। हाँ जी हाँ, मुझे इनका गाना बहुत अच्छा लगा, और ये भी खुद इतनी क्यूट है, इसे देखकर आई एम रिमेम्बरिंग माई एल्डर डॉटर राध्या, बिल्कुल उसे भी गाने का बहुत शौक है, और यू नो उसे ये एपिसोड ज़रूर दिखाऊंगी और तुम्हारा गाना दिखाऊंगी, और तुम्हें देख के मेरी बेटी को इंस्पिरेशन मिलने वाला है। ईशा मैम आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू। आप इतने बड़े सुपरस्टार हेमा मालिनी मैम के बेटे बेटी हो, तो आपको कैसा लगता था? पहले जो आपने कहा ना, आप हेमा जी की बेटा, फिर बोले बेटी, मैं हूँ दोनों इनके, मैं हमेशा यही कहा। She's right. She's my son and daughter both. पहले समझ में नहीं आता था, सब जहाँ भी जाओ सब बोलते थे अरे देखो वो हेमा मालिनी की लड़की है। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जिनसे म्यूजिक इंडस्ट्री को मिला है वो खास सबसे खास, अरुणा दास, और उनके साथ वो जिनकी गायकी में है अदायगी और नखरे शामिल, सायली कांबले पाटिल। Keep
इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो तो प्यारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के छू उधर। आज मैं ये चाहती हूँ कि why can't the dream girl be the doom girl for a change? Oh my God, Isha, ये क्या आइडिया दिया आपने? ये कभी नहीं हुआ। हिस्ट्री अच्छा वाला है। हिस्ट्री को जाएगा। Time for Doom Girl to become Dream Girl. अरे क्या आपने हमें बताया? हेमा जी, wow. हेमा जी, कौन से गाने पे आप ऐशा को डांस करते देखना चाहती हैं? सत्ते पे सत्ता का झुका के सर को पूछो, ठीक है? झुका के सर को पूछो, मैडम, how do you do? How do you do? झुका के सर को Thank you so much, Hema ji and Isha, for this wonderful moment.
आंखों से मोती छक लो, तीखी तीखी तेज तेज ये सूली पर है सेज सेज, ईमान बना कर तुम रख लो। मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची सनम, उल्टी उल्टी तिरछी तिरछी मोहब्बत की गलिया सनम। स्पेशली ये कहना चाहता हूँ ऋतुराज के तुमने इतना कमाल गाया कि तुम जितना भी मेरे साथ प्रैंक करोगे मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ और आज हेमा जी का वो गाना तुम्हारे लिए स्पेशली गाता हूँ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही। ऋतुराज ने दुनिया हिला दी है। अच्छा हेमा जी, हाँ जी, सत्ते पे सत्ता एक बहुत ही यादगार फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हम बहुत उत्सुक हैं जाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे उसमें, तो बहुत मजा आ रहा था। तो उसमें सात भाइयों के साथ बीच में मैं एक अकेली भाभी, जो लड़का भी मुझे बता रहा था ना भाभी जाग जाएगी, तो मुझे पूरी वो याद भी आई थी। और पूरा पिक्चर में मैं ऐसे इन लोगों के साथ जाहिल एकदम, यू नो, अनकूत ब्रदर्स उनके बीच में, और मैं कैसे इनको ठीक कराऊंगी। उस वक्त मेरे प्रेग्नेंट होने का मेरा ओ अच्छा वो शी वाज सपोज्ड टू बी बॉर्न, इनका जल्दी था आने के लिए। हमेशा यही कहूंगी, मेरा डेब्यू फिल्म था सत्ते पे सत्ता। या सत्ते पे सत्ता, इनका पैदा होने से पहले वो पिक्चर शुरू कर दिया था। तो आई वाज हाफ वे, आई वाज प्रेग्नेंट इन दैट फिल्म, एंड आउटडोर में भी इसका शूटिंग हुआ था जी। तो ये सारा गाने जो थे आउटडोर में था जी। तो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल फिल्म फॉर मी। पर हेमा जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप उस फिल्म में, हाँ, उस जमाने में जितनी खूबसूरत थी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत है। मैम, मैं ऐसे सोच रही थी अभी बोलने वाले हैं उतनी खूबसूरत थी, लेकिन आज नहीं है। हेमा जी के लिए ताली। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। एक दिन ठान कर इस 11 साल के बच्चे ने भी कह ही डाला, मेरे हाथ की लकीरों तुम खुद कैद हो मेरी मुट्ठी में, तुम क्या मेरी तकदीर खोलोगी, अब तो जिस दिन मैं तुम्हें अपनी कहानी दोहराने दूंगा तुम बस उसी दिन कुछ बोलोगी। और तभी 10 हफ्तों बाद किस्मत वर्सेस मनी मैच में स्कोर है मनी 10 किस्मत 0। और तभी पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, माता पिता का राजा बेटा मनी। और उनके साथ आ रहे हैं किसी एक कैप्टन के साजन पवनदीप राजन। हाय मनी। हेलो सर। आज बड़े क्यूट लग रहे हो यार आप। वैसे तो आप हमेशा ही क्यूट लगते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है? इस बारिश के मौसम में मनी को मिला हेमा जी की तरफ से एक अनोखा तोहफा। थैंक यू। वेलकम। मैंने मनी का पहला एपिसोड देखा था जब वो मुंबई को देखकर बहुत खुश हो रहा था। ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, वो गांव या मुंबई? सर मुंबई बहुत अच्छा है ये शहर। किसी फिल्म स्टार से मिले हो अभी तक? किसी से ही मिला हूँ मैं। मैं अब चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए और हमसे मिले। विद लव हेमा मालिनी। मनी आप गए थे, आपने सब देखा, हम भी देखना चाहते हैं यार, दिखाएंगे क्या? जरूर। तो चलिए एक नजर डालते हैं। इतना बड़ा घर, मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा घर है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। अरे मनी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नमस्ते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बैठा
खाने में क्या पसंद है? हमारे उधर पंजाब की खीर, मम्मा के हाथ की बनी। पंजाब की खीर ना। मैंने साउथ का खीर बनाया आपके लिए, उसके पायसम बोलते हैं। अच्छा है? अच्छा है। खीर बहुत अच्छा है, ऐसा खीर मैंने पहली बार खाया। हाउ स्वीट। मैं आपके लिए एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कि हमारे सगे हो वो लोग। राधा जी क्या है ये? हमारे गांव में कोई भी हमें बुलाता तक भी नहीं है। हम गली से भी जा रहे तो भी नहीं बुलाता, और हमें हेमा जी ने अपने घर पे बुलाया। एक बच्चे की मेहनत की वजह से ये सब कुछ मुझे देखने को मिला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू Oh,
क्या बात है मनी, ये भी गाना गाएगा ये किसी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अगर आप पुराने इसके परफॉर्मेंसेस देखें, कमाल कर दिया। तो मनी तुमने दुनिया हिला दी। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, मोहम्मद फैज। हेमा मैम आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज। थैंक यू जी। और ईशा मैम आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैम मैंने कल आपका गाना गाया था ड्रीम गर्ल। अच्छा। पर वो मैंने आधा गाया था जी, क्योंकि मैम मैं आधा आपके सामने गाना चाहता था। ओके। क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा से एक विश थी कि मैं ये गाना आप दोनों के सामने गाऊं। प्लीज सिंग, प्लीज गा। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, मगर जी नहीं सकते।
तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। आउटस्टैंडिंग, कमाल का है। सोच ही नहीं सकते हैं कि यू आर जस्ट ओनली 14 ईयर ओल्ड, 14 साल के हो और आवाज़ इतनी अच्छी है, लाइक ए हीरो, हीरो के लिए ईजिली ही कैन स्टार्ट सिंगिंग। और सब लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ड्रीम बॉय तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ड्रीम वॉइस है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। हैव अ ड्रीम वॉइस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.